लेकिन 15 में एक कार्यक्रम में जो इसी तरह से आज सब बैठी हैं, जीविका समूह का कार्यक्रम पटना में था और उस कार्यक्रम में जब हम अपनी बात रख दिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए और जितना काम किया जा रहा है, सब बात को रखने के बाद हम जब बैठने जा रहे थे तो उसी बीच में अनेक महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए। तो जब हम बैठ रहे थे तो हमारे मन में ये बात आई और मेरे साथ जो अन्य लोग बैठे हुए थे उनसे भी हमने पूछा, कहा कि नहीं तो कह रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो लौट करके हम आए और फिर हमने उस दिन इस बात को कह दिया कि देखिए, वो जुलाई महीना था 2015 का, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था, तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे। ये ऐलान किया था उस समय और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया, तो अवसर मिल गया तब 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई, तो 26 तारीख को, जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग जो अभियान चलाते थे, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। ये उसी समय से ये शुरू हुआ।